की 2019 की कट ऑफ लिस्ट। आइए जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की 5 कट ऑफ लिस्ट का स्केड्यूल। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक दाखिले के लिए फिलहाल 5 कट ऑफ की तिथियों की सूचना जारी कर दी है। इस बार DU ने सीमित कट ऑफ निकालने की बात कही है। हालांकि सीटें बचने की स्थिति में DU 5 के अलावा और भी कट ऑफ निकाल सकता है। 20 जून को पहली कट ऑफ आएगी, जो कि 20 से 22 जून तक प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन, दाखिला और फीस भुगतान करेगी। वहीं 25 जून को DU दूसरी कट ऑफ निकालेगा, जहां पर 25 से 27 जून तक प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन, एडमिशन और फीस पे की जा सकती है। तीसरी कट ऑफ लिस्ट 29 जून को आएगी, जो कि 29 जून से 2 जुलाई तक रहेगी। वहीं 4 जुलाई से 6 जुलाई तक चौथी कट ऑफ लिस्ट आएगी। और वहीं आखिरी कट ऑफ लिस्ट, जो कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन, दाखिला और फीस भुगतान करेगी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बार संध्याकालीन कॉलेज भी सुबह की पाली के कॉलेजों के साथ ही प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे, दाखिला लेंगे व फीस भुगतान लेंगे। DU के छात्र जब एडमिशन के योग्य पाए जाएंगे, तब उसके बाद कॉलेज प्रशासन इस बात की पुष्टि करेगा और साथ ही कॉलेज का प्रिंसिपल छात्र के दाखिले को संतुति देगा। ऐसा करने के बाद छात्र को मेल पर फीस भुगतान का लिंक आएगा, जिसे ओपन करने के बाद डेबिट या क्रेडिट या अन्य माध्यम से छात्र को फीस भुगतान करना होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि लिंक 15 घंटे तक ही खुला रहेगा, इसलिए छात्र को उसी के दौरान फीस जमा कर देनी होगी। दाखिले की समाप्ति के बाद DU के जिस कॉलेज में छात्र ने दाखिला लिया है, उस कॉलेज में उसे अपना मूल प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के लिए देना पड़ेगा, जिसकी जाँच कॉलेज द्वारा करने के बाद उसे छात्र को पुनः लौटा दिया जाएगा। यह व्यवस्था इसी साल से DU ने शुरू की है।